राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में से 4 के नतीजे आज आया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावी रुझान में भाजपा को बहुमत मिल गई है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है, जिसके खुशी में दरभंगा के लहरियासराय टावर स्थित जश्न मनाया गया। हजारों हजार के पटाखे फोड़े गए, साथ ही मिठाइयां भी बांटी गई। वहीं भाजपा विधायक ने ढोल नगाड़ा बजवाकर जश्न को और दुगुना कर दिया। वहीं भाजपा के विधायक ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस पर क्या कहा है, आप खुद ही सुनिए और समझिए कैसी खुशी है इन लोगों में और आने वाले चुनाव को लेकर कैसा दावा कर रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से विजयी हो रही है और तेलंगाना में हम 8 गुना बढ़त पर हैं। पिछली बार हम लोगों का 1 विधायक जीता था और इस बार 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी का जीत रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नीतियों पर देश ने मोहर लगाई है और इस घमंडिया सरकार के नेताओं ने जिस तरह देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहा, सनातन धर्म का विरोध किया, इस देश में सनातन धर्म का विरोध करने वाले किसी हालत में भी इस देश में राज नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सबकी चिंता की है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बिहार समेत पूरा देश जीतेंगे और 2025 में जब बिहार का चुनाव होगा तो नीतीश और तेजस्वी की सरकार का सुपड़ा साफ हो जाएगा और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सबकी चिंता की है। वो अनुसूचित जाति हो, अति पिछड़ा समाज हो, गरीब वर्ग हो, महिला हो, नौजवान हो, सबकी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर आज जनता ने मोहर लगाई है और जिस तरह इस घमंडिया सरकार के नेताओं को घमंड हो गया था और जिस तरह वो नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द बोल रहे थे, देश की सरकार ने, उन राज्यों की सरकार ने जवाब दिया है और सनातन धर्म का विरोध यह देश की जनता किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसीलिए आज पूर्ण बहुमत के पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम जनता हलालित है। आज पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, रंग अबीर और गुलाल उड़ रहे हैं। आप लोग भी मिठाई खाइए, पहले आप लोग भी मिठाई खाइए और आप लोग भी जो है प्रसन्नता मनाइए। लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे, सेमीफाइनल तो है ही, सेमीफाइनल भी जीते हैं, फाइनल भी जीतेंगे और देश की आवाम नरेंद्र मोदी के साथ है, बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आने वाले समय में बिहार की जनता भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने वाली है। मोदी जी का नीति जो है ना, नरेंद्र मोदी का नीति पर जीत हुआ है, उनका जीत ये पूरे बिहार के लिए वरदान बनेगा और ये तो 5 स्टेट झांकी है, बिहार अभी बाकी है। बिहार में जो 2024 में चुनाव होने वाला है
उसमें माननीय नरेंद्र मोदी का जो परचम लहराएगा, 2024 में बिहार में चुनाव जो होगा भारी बहुमत से बिहार में जीत होगी एनडीए की। तीन राज्य में हम लोग जीत रहे हैं और तीन राज्य में मेरा सरकार बन रहा है और मोदी जी का जलवा अभी भी कायम है और जलवा 24 में और 25 में भी कायम रहेगा। बिहार में भी मेरा सरकार बनेगा डंके की चोट पे और बार बार जीतेंगे क्योंकि मोदी जी काम कर रहे हैं, काम पर जनता वोट दे रहा है और माता और बहन पर इतना लोगों को विश्वास हो गया मोदी जी पर कि हर बच्चा, हर माँ, हर युवा वोट हम लोगों को दे रहा है और मोदी जी के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। मोदी जी का जलवा कायम है और लोग कहता था कि मोदी जी का अब नहीं चलेगा, फिर भी चलेगा 24-25 में देखिएगा। पूरे विपक्ष का ठगबंधन, गठबंधन, जितना गठबंधन है सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा, फिर हम लोग 400 पार आएंगे केंद्र में, अब बिहार में फिर से मुख्यमंत्री अपना बनाएंगे।